हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट का जो राउंड टू काउंसलिंग है उसका अपडेट। उसके साथ साथ दोस्तों, मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैंने 4 से 5 स्टेट्स के लिए कंसोलिडेटेड वीडियो बनाया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे फैक्ट और सारे ऑफिशियल जो नोटिस अभी तक जिन स्टेट्स ने रिलीज किया वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन और नई वीडियो में आऊंगा आपके लिए नई अपडेट के साथ। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बिल्कुल फ्री मैराथन क्लासेस लेके आया। और दोस्तों, ये एवरी संडे होंगी ये क्लासेज, और उसमें आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे दोस्तों आपको ये क्लासेज मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा टॉप जो फैकल्टी अन अकेडमी की मैराथन स्पेशल क्लासेस के लिए। MHT CET के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये प्रिपरेशन करने का। आपको हिंदी में फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको तेजवी सर से इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसके कंसेप्ट लेके आप MHT CET को बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रियांक सर से मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा, और उसके बाद स्वाति मैम से आपको इंग्लिश में बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, जो आपको MHT CET क्रैक करने में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपको अनअकैडमी का अगर आपको बैचेज ज्वाइन करने हैं जो हर मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको 12 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 14,850, और 6 मंथ के लिए 12,150। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इनके लिए फ्री जो 6 मंथ का ये नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आप पूरी फीस एक साथ नहीं दे सकते, तो आप लो कॉस्ट EMI लेके दे सकते हैं, और लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है RC2020, तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे 10% का अमेजिंग डिस्काउंट, और कोई भी क्लास होगा उसको अनलॉक करने के लिए जो फ्री क्लासेज है उनको आप अनलॉक कर सकते हो। सो गाइस, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड एंड यू कैन गेट अमेजिंग 10% डिस्काउंट, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो रेफरल कोड है दोस्तों, आपको यूज़ करना है RC2020, और इसमें आपको नो कॉस्ट EMI भी है। आप नो कॉस्ट EMI पे 6 मंथ की EMI ले सकते हो, और उससे आपकी फ़ीस पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो अपडेट लेके आऊँ, सबसे पहले अपडेट है उत्तराखंड स्टेट के लिए। तो जो भी उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उत्तराखंड बोर्ड ने दोस्तों कंप्लीट सेंट्रलाइज स्टेट का जो है वो कंप्लीट सेकंड राउंड का पूरा शीट रिलीज किया है। तो ये दोस्तों, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है शीट अलॉटमेंट की, आप देख सकते हो हर बच्चे का सारा डिटेल है, स्टूडेंट का नाम क्या था, उसके कितने मार्क्स थे, उसके बाद दोस्तों उस स्टूडेंट का क्या क्या कैटेगरीज थी, जैसे कि उसने कौन से कॉलेज फिलअप किए थे और उसको कौन सा कॉलेज अलॉटेड हुआ, और उसकी अलॉकेट कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्लीट रिलीज हो गया। अगर आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको ये देखना है कि जैसे आपके PCM में कितने मार्क्स थे, कहाँ से किया, आपने स्टेट कोटा से किया है नहीं किया, उसके बाद आपकी नीट की AIR रैंक कितनी थी, और उसके बाद दोस्तों आपके PCM में कितने मार्क्स थे, PCB में कितने मार्क्स थे, PCB में रिक्वायर्ड जो मार्क्स होते हैं उसका भी कैटेगराइजेशन बता रखा है, उसके बाद आपको आपने कौन कौन सी चॉइस भरी और आपको कौन सा कॉलेज अलोकेट हुआ, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे है। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से हैं वो अपने स्टेट के खुद के और अपने फ्रेंड्स का किसी का भी अगर डिटेल देखना चाहे तो इस कंप्लीट शीट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये लगभग 1100 पेजेस का PDF है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपना टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ नाम से होगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट PDF उत्तराखंड स्टेट्स के लिए है कि बच्चों ने कौन कौन से अलॉटमेंट भरे और उनको फाइनली कौन कौन सा अलॉटमेंट मिला। सो ये अपडेट है दोस्तों उत्तराखंड स्टेट की, जो मैंने आपको भी बताई। अब चलता हूँ नेक्स्ट स्टेट की अपडेट के ऊपर, और दोस्तों ये शीट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पर शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद दूसरी अपडेट है दोस्तों गुजरात स्टेट के लिए। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात ने अपना स्टेट कोटा राउंड टू का अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दिया है। दिस इज़ द मेरिट लिस्ट, उसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला बंदा स्टूडेंट था उसकी जो NEET की AIQ रैंक जो इसमें राउंड टू में आई है वो आई है 1107 AIQ रैंक थी। तो उसके जो कंप्लीट डिटेल है कि जिसके मार्क्स थे 671, उसको फर्स्ट अलॉटमेंट मिला है। उसके बाद दोस्तों, ये कंप्लीट गुजरात का अलॉटमेंट आपकी क्या कैटेगरी थी, ओपन कैटेगरी थी, EWS कैटेगरी थी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, सारी कैटेगरीज का अलॉटमेंट आ चुका है। तो ये भी पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट थी गुजरात स्टेट के लिए। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट के स्टेट कोटा राउंड टू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट है। अगली अपडेट भी दोस्तों गुजरात स्टेट के लिए, उन्होंने बुलाया कि जो गुजरात में मॉपअप राउंड होने वाला है, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है MBBS और BDS के लिए। तो उन्होंने बोला है कि इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग COVID-19 आउटब्रेक, इन कंप्लायंस विद एडवाइजरी इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला कि जो मॉपअप राउंड है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस बार होने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपका जो मॉपअप राउंड है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि किस और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ये फॉलोइंग मेडिकल कॉलेज में होगी, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में होगी, NHL में होगी, CGS होगी, GEMRS होगी, ये सारे कॉलेज यहाँ पे बता रखे हैं, ये 11 कॉलेज। तो उन्होंने बताया दोस्तों ऑल द कैंडिडेट हु आर इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड एक्सेप्ट द कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड एंड जॉइंड राउंड टू मेडिकल काउंसलिंग समिटी इन न्यू AIQ कोटा। तो बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे AIQ कोटा से ज्वाइन कर चुके हैं उनको छोड़ के बाकी बच्चे इन कॉलेजेस में मॉपअप राउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी सारी कंडीशन है दोस्तों, ये कब स्टार्ट होगा, जैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड कैंडिडेट हैव टू लॉग इन द वेबसाइट इसकी यूजिंग देर UID एंड पासवर्ड, ऑनलाइन कंसेंट, और उनके बाद क्या करना पड़ेगा, और एक ऑनलाइन कंसेंट उनको देना पड़ेगा, तो उसके बाद बच्चे ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पूरे स्टेप्स कैसे आपको ऑनलाइन कंसेंट में क्या क्या फिलअप करना है, पूरी चीज़ें कहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट से मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज पे शेयर कर दूंगा, वहाँ इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो पहले बता देना चाहता हूँ गुजरात स्टेट का मॉपअप राउंड ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेलेक्टेड कॉलेज में होने वाला है। अगली अपडेट पे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये अपडेट है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की अपडेट है। इसमें क्या किया है कि जो द फॉलोइंग इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ 25 MBBS सीट एम्बार्ड फॉर द काउंसलिंग एडमिशन थ्रू द झारखंड स्टेट काउंसलिंग। तो जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज है जमशेदपुर में, तो झारखंड में उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है कि उसकी फ़ीस यहाँ पे बताई है कि आपका जो फीस MBBS की 4.5 साल का जो ड्यूरेशन उसकी फ़ीस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, 7,15,000 का रिफंडेबल, कॉस्ट एंड डिपॉजिट 10,000 का होगा। उसके बाद सारी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बताइए कि आपको कौन सी फीस किस किस इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो जो भी बच्चे मणिपाल डाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप देख सकते हो इसमें पूरा फीस स्ट्रक्चर पता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और SC ST और BCA BCB के लिए भी बताया गया है। उसके बाद दोस्तों जो हॉस्टल और मैस फीस का भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो भी बच्चे टाटा मेडिकल कॉलेज, जो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे शेयर करने वाला हूँ, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों झारखंड के लिए। तो झारखंड ने क्या किया है कि एक नोटिफिकेशन दिया अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो उन्होंने जो स्टेट कोटा काउंसलिंग में जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया है, और ये कंप्लीट दोस्तों जो डिटेल है वो उन्होंने अपने 11 तारीख को रिलीज़ किया। आप देख सकते हो जो सेकंड राउंड है द्वितीय साक्षात्कार के लिए, तो जो झारखंड के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पे बताया उन्होंने। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 12 से 14 तारीख तक होगा, पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड 15 तारीख होगा, 16 तारीख को दोस्तों आपका आप उसमें ऑब्जेक्शन वाला जो होगा, उसके बाद दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ सेकंड राउंड का जो 17 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो उसके बाद दोस्तों जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी 19 तारीख को होने वाली होगी, और इश्यू ऑफ द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में मिलेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 20 से 23 में ही होगा। तो जो भी बच्चे झारखंड स्टेट से हैं उनके लिए अपडेट है कि झारखंड ने अपना जो सेकंड राउंड स्टेट कोटा काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है, एंड दिस इज़ द शेड्यूल फॉर झारखंड स्टेट गाइज। और जो उसकी फीस है वो आपके सामने एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पे बता दी है कि आपकी 500 रुपये रहेगी अगर आप जनरल EWS BC1 और BCB से बिलोंग करते हो, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 250 रुपये फीस होगी। काउंसलिंग फीस इसकी अलग से होगी, 1,000 रुपये होगी जनरल के लिए, और बाकी के लिए SC ST के लिए होगी 500 रुपये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी झारखंड के स्टेट कोटा काउंसलिंग 2 के लिए। तो दोस्तों अभी तक ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स। और गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।